तो वही पुंडरी के गांव हजवाना में बीजेपी प्रत्याशी वेदपाल ने डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। एडवोकेट वेदपाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर गांव के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी ने 2 घंटे के अंदर करीबन 100 घरों में जाकर वोट मांगे और कहा कि यहां आकर मुझे लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है और गांव वालों ने वोट देने का भरोसा भी दिया है। तो लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, ये वेदपाल उम्मीदवार ने कहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गांव वाले आशीर्वाद दे रहे हैं। एडवोकेट वेदपाल ने तूफानी प्रचार किया है, हर घर जाकर वोट मांगे हैं और हजवाना गांव में वो पहुंचे जहां पर वोट अपील की गई। कोई बड़ा उद्योग खुला, कोई युवाओं के लिए बड़ा कार्यक्रम चला जिसमें रोजगार मिल सके। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी माताओं बहनों, ये जो हम हर बार आचार प्रत्याशी को विधायक बना देते हैं और फिर वो बाद में कहता है कि मेरी तो सरकार में चलती नहीं, मेरी तो सरकार में हिस्से लगे नहीं और उसके बाद आपके कोई काम नहीं होते। लेकिन आपके बाद होगा, हमारे मित्र आपसे 5-6 दिन पहले मिले, उन्होंने कहा देखो भाई साहब, पूर्णी में तो अब तक सब डिवीजन नहीं बनी, एसडीएम भी नहीं बैठा। कम से कम एसडीएम बैठ जाता तो यहाँ पर राशन कार्ड बढ़ते, आधार कार्ड बढ़ता, ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ते, आरसी बढ़ते और ऐसी 450 सेवाएं हैं जो एसडीएम साहब देते हैं और हम सबको क्या चल जाना पड़ता है। तो मैंने कहा अगर विधायक बढ़ाओगे तो एसडीएम कहाँ से पाओगे।